स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन डीएसएस ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज चमन सिंह एंड टुडे वी विल स्टडी हिस्ट्री चैप्टर 9, वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स। स्टूडेंट, दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो एंड इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट the condition of women in the past. We will also discuss the conditions of poor people or discuss the customs, the culture or the traditions which were going on about 200 years ago. Student, in this chapter we will also clear about some of the reforms and reformers and how did change occur, we will study in this video. So student, let's start the topic. Do you think how did children live before 200 years ago? अर्थात 200 साल पहले बच्चे कैसे रहते थे? You know, if we talk about in today, both girls and boys of the middle family go to school, colleges and as well as in the university. अगर वर्तमान की बात करें तो आजकल जो आम परिवार है, मध्यम परिवार है, उसके लड़के लड़कियाँ दोनों स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उनमें से बहुत यूनिवर्सिटी भी जाते हैं। इवन आफ्टर गेटिंग हायर एजुकेशन दे गेट जॉब्स ऑल्सो एंड ऑल्सो दे गेट मैरिड आफ्टर एडल्टनेस अकॉर्डिंग टू देयर विश और अकॉर्डिंग टू द लॉ। अर्थात नौकरी करने के बाद या बड़े होने के बाद, एडल्ट होने के बाद वो अपनी इच्छा से शादी विवाह कर सकते हैं, बिकॉज लॉ हैज गिवन राइट टू चूज एनी वन एज ए हस्बैंड और एज ए वाइफ, और दे कैन मैरी इन एनी कास्ट और इन एनी कम्युनिटी और रिलीजन। अर्थात अधिकार है सबको कि वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म में अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से विवाह कर सकता है। सो स्टूडेंट, बट इट इज आल्सो ट्रू दैट ऑल दिस राइट्स आर नॉट एंजॉयड बाय एवरी पीपल ऑफ आवर कंट्री। मेनी पीपल हैव राइट टू वोट, दे कैन स्टैंड इन द इलेक्शंस आल्सो एंड आल्सो रेज देयर वॉइस फॉर देयर राइट्स, बट इट इज नॉट एक्सेस फॉर एवरीवन। ये हर किसी के लिए नहीं है, हर कोई इन अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पाता है आज भी। बट स्टूडेंट, यू नो बिफोर 200 इयर्स अगो द कंडीशन वाज कंप्लीटली डिफरेंट विच वी सी टुडे। अर्थात जो हम आज देखते हैं वो 200 साल पहले ऐसा नहीं था। द लाइफ वाज कंप्लीटली डिफरेंट बिकॉज इन दोज डेज small children of 8 or 9 years old got married in their early age or in their childhood. अर्थात सोचिए, इमेजिन, आपसे भी कम उम्र के बच्चे 200 साल पहले उनका विवाह कर दिया जाता था। एंड हिंदू और मुस्लिम men could marry more than one wife or more than a woman. अर्थात जो हिंदू या मुसलमान दोनों कम्युनिटी के जो लोग थे वो एक से अधिक विवाह कर सकते थे, एक से अधिक पत्नियां रख सकते थे। नाउ वुमेन हैव और गर्ल्स हैव नो एक्सेस टू एजुकेशन और नो राइट टू एजुकेशन। इवन इफ वुमेन हस्बैंड्स वर डाइड शी कंसीडर्ड एज विडो एंड इफ शी डाइड with her husband's funeral pyre, she was praised as a virtuous woman or as a sati woman. अर्थात अगर कोई औरत जिसका पति मर जाए तो उस, चाहे वो जवान हो या बूढ़ी हो या किसी भी उम्र की हो, उसके पति के मरने के बाद उसे भी उसके पति की चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था, और अगर चाहे उसकी मर्जी से या जबरदस्ती, और ऐसा करने पर उस औरत को वर्चुअस वुमेन
या सती महिला करार दिया जाता था या उसको सती महिला बोलते थे। सो स्टूडेंट थिंक हाउ ब्रूटल एंड हाउ इनह्यूमन एक्ट वाज दिस, अर्थात कितना ये अमानवीय व्यवहार था कि किसी जीते जी औरत को जिंदा जला दिया जाए उसकी मर्जी के खिलाफ। सो स्टूडेंट सच टाइप ऑफ इविल कस्टम्स वर प्रैक्टिस्ड इन आवर कंट्री बिफोर 200 इयर्स एगो। स्टूडेंट आल्सो विडो वुमेन वर सीन एज ए वेरी अनफॉर्चुनेट वुमेन फॉर द सोसाइटी, किसी विधवा महिला को समाज में अभागे या दुर्भाग्यशाली के रूप में कंसिडर करते थे। वुमेन हैड नो राइट टू एजुकेशन एज वेल और नो एक्सेस टू एजुकेशन, महिलाओं को बहुत से अधिकार नहीं थे, उनमें से एक शिक्षा का अधिकार था। दे कुड नॉट हैव राइट टू प्रॉपर्टी, उनके पास संपत्ति का भी अधिकार नहीं था। इट मीन्स दैट देयर मोस्ट ऑफ द राइट्स वर रिस्ट्रिक्टेड। स्टूडेंट कैन यू इमेजिन इन दोज डेज इट वॉज बिलीव दैट इफ अ वुमेन और अ गर्ल वुड ट्राई टू एजुकेट हरसेल्फ और देमसेल्फ शी वुड बी विडो। सोचिए उस जमाने में किसी अगर कोई महिला अध्ययन करती है, पढ़ाई करती है, कोई लड़की शिक्षा ग्रहण करती है तो ऐसा माना था कि अगर वो पढ़ लिख लेगी तो वो विधवा हो जाएगी, उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सो यू कैन थिंक सच टाइप ऑफ रूमर्स और सच टाइप ऑफ सुपरस्टिशंस वर इन प्रैक्टिस इन ओल्डन टाइम, हाउ स्ट्रेंज इट वॉज, कितना असर्जनक था ये कि उस जमाने में इस तरह के भी प्रैक्टिसेस चला करते थे। स्टूडेंट अपार्ट फ्रॉम वुमेन्स कंडीशंस देयर वर अदर चेंजेस और अदर डिफरेंसेस इन द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ कास्ट। स्टूडेंट इफ यू टॉक अबाउट द कास्ट सिस्टम, यू नो इन प्रीवियस क्लासेज यू हैव स्टडीड अबाउट देयर वर फोर वर्णाज इन हिंदुइज्म, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य। इन ओल्डन टाइम ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियस वर कंसिडर्ड एज अपर क्लास वाइल ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स वर कंसिडर्ड एज वैश्यास। आफ्टर दैट द पीपल हु वर वर्ल्ड एज लेबरर्स आर्टिजन्स पीजेंट्स वीवर्स दे वर कंसिडर्ड एज शूद्राज, अर्थात समाज को चार वर्णों में बांटा गया था। ब्राह्मण क्षत्रिय सबसे ऊपर थे, उसके बाद नंबर आता था व्यापारी वैश्य वर्ग का जो व्यापार करते थे, दुकानदारी या सामानों का लेन देन करते थे। इसके बाद आता था उन लोगों का जो मजदूर थे, जो खेती वगैरह का काम करते थे, खेतों में मजदूरी का काम करते थे, या काश्तकारी का काम करते थे, या बुनाई काम करते थे, ऐसे लोगों को शूद्र की कैटेगरी में रखा गया। एंड आफ्टर दैट देयर वेर अनदर क्लास ऑफ पीपल हु डिड डर्टी जॉब्स विच लाइक कलेक्टिंग ऑफ गार्बेजेस और कलेक्टिंग ऑफ डेड एनिमल्स ऑल्सो इन द सिटी और इन द विलेज एरिया। दे हैव गिवेन नो कास्ट स्टेटस, अर्थात दे हैव नॉट गिवेन एनी कास्ट स्टेटस, ऐसे लोगों को जात का कोई अधिकार नहीं दिया गया। दे वर considered as untouchables, so they had not given too many rights, like they had no rights to go to the public well or fetch water to the public tap, they had no right to enter into the temple, and they had also no right to go into the market area. So such type of women were considered as inferior human beings, aise log jo मैला ढोने काम करते थे, गंदगी साफ करते थे, मरे हुए जानवरों को उठाते थे, ऐसे लोगों को अनटचेबल्स कहा गया, अछूत कहा गया, और ऐसे लोगों को बहुत से अधिकारों से वंचित कर दिया गया, जैसे कि मंदिर में न जाना, कुएं से पानी न लेना, बाजार में न प्रवेश करना, पब्लिक के बीच न जाना, तमाम तरह की चीज़ें थी। बट इन 19th सेंचुरी दिस सिस्टम वाज दिस प्रैक्टिसेस वर चेंज्ड gradually. We will discuss about the next topic, that is working towards change.
So working class change means what were the change had done in 19th, 20th century. So look, debates and discussed were started in early 19th century about such social customs, अर्थात ऐसे सामाजिक जो कुरीतियाँ थी, इसके खिलाफ 19वीं सदी के स्टार्टिंग में ही डिस्कस डिबेट होने लगे, जो हमारे देश के रिफॉर्मर्स थे, जो बड़े बड़े लीडर्स थे उनके द्वारा. Now after developing many forms of communication like newspaper, magazines, templates, pamphlets, leaflets, etc., which were easily accessed by ordinary people also, and they could read, write, and express their views about such social evils or such social custom which were against the humanity or against the society. अर्थात जब forms of communication develop हुआ, जैसे कि newspaper, अखबार वगैरह, magazines वगैरह या pamphlet वगैरह जब छपने शुरू हो गए, तो ये आसानी से सभी लोग इसको पढ़ सकते थे, बिकॉज दे वर चीप ऑल्सो, क्योंकि सस्ते थे. और इससे क्या हुआ, लोगों के बीच में एक नई जागृति पैदा हुई, सामाजिक बुराइयों को वो समझने लगे, एंड ऑल्सो एक्सप्रेस देयर व्यूज इन पब्लिक थ्रू सच फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. लोग अपनी बात रखने लगे, एंड ऑल्सो रेज देयर वॉइस इन ग्रुप्स एंड इन फॉर्म्स ऑफ रिवोल्ट. So many issues were started discussing like social, political, economic and religion. These were the main issues of the society. So and such issues were initiated mostly by the reforms groups or reformers. And on that time, one of the famous reformers, that was Raja Ram Mohan Rai, who was founded Brahmo Sabha in 1828 in Calcutta, which later named as Brahmo Samaj. अर्थात ऐसे सामाजिक मुद्दों पे बहस होनी शुरू हो गई, डिस्कस डिबेट शुरू हो गए, और ऐसे डिस्कस और डिबेट्स को मोस्टली डिलीट करते थे वो सोशल रिफॉर्मर्स या सोशल रिफॉर्म्स ग्रुप, जो समाज सुधारक थे. उनमें से एक महान समाज सुधारक थे जिनका नाम था राजा राम मोहन राय, जिन्होंने कैलकटा में एक समाज की सभा की स्थापना की, जिसका उन्होंने नाम दिया ब्रह्म सभा, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जानते हैं. इसकी स्थापना उन्होंने 20 अगस्त 1828 को कैलकटा में की थी, एंड द मोटो ऑफ दिस सोसाइटी वाज टू रेज हिज वॉइस अगेंस्ट सच सोशल इविल्स एंड अगेंस्ट सच अनजस्ट प्रैक्टिसेस. उनकी संस्था की आवाज़ जो थी वो ऐसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ थी जो समाज में पनपी हुई थी और जो इनह्यूमन थी या समाज के नियमों के खिलाफ थी. नाउ राजाराम मोहन राय आल्सो इनकरेज एंड टॉट पीपल टू गिव अप सच ओल्ड कस्टम्स एंड अडॉप्ट अ न्यू वे ऑफ लाइफ. उन्होंने लोगों को यह भी कहा कि ऐसी जो कुरीतियाँ हैं, जैसे कि सती कस्टम है, यानी विधवा का को पति के साथ जला देना, या विधवा का विवाह ना होने देना, या बाल विवाह करना, इस प्रकार के जो कस्टम्स थे उनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई. ही आल्सो अर्ज दैट वी शुड इनकरेज और स्प्रेड द वेस्टर्न एजुकेशन इन आवर कंट्री एंड आल्सो गिव मोर फ्रीडम एंड इक्वेलिटी टू वुमेन. उन्होंने ये भी कहा कि हमें न सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड करना चाहिए जो कि इक्वेलिटी को बढ़ाता है, इतना ही नहीं, हमें अपनी घर की औरतों को भी बराबरी का हक देना चाहिए. बिकॉज ही सेड दैट वुमेन वर ऑलवेज इन्वॉल्व इन किचन और इन हाउस होल्ड वर्क्स एंड दे हैड नॉट ट्रीटेड इक्वल एज लाइक एज मैन, सो दे शुड गिव इन मोर राइट्स एंड इक्वलिटी टू गेट एजुकेशन एंड टू नो अबाउट देयर राइट्स. सो स्टूडेंट, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ राजा राम मोहन राय, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट
social reformer of our country who changed society in various ways. We will discuss in next topic. The next topic that is changing the life of widows. अर्थात जो विधवा महिलाएं थी उनकी स्थिति को सुधारने के लिए क्या चेंजेस हुए इसके बारे में जानते हैं. As you know, Raja Ram Mohan Roy started his campaign on against sati custom. अर्थात Raja Ram Mohan Roy ने सबसे पहले जो विडो वुमेन थी उसकी कंडीशंस को सुधारने के लिए सती कस्टम के अगेंस्ट अपनी आवाज उठाई. एंड आल्सो ही वर अ वेल एजुकेटेड पर्सन. ही न्यू मेनी लैंग्वेज लाइक संस्कृत, पर्सियन, इंडियन, अदर इंडियन लैंग्वेज एंड यूरोपियन लैंग्वेज. ही स्टडीड वेल वर्स्ड ऑफ एंशियंट टेक्स्ट एंड आल्सो गेव द एग्जांपल्स टू द पीपल दैट विडो वर्निंग हैड नो सेंशन इन एंशियंट टेक्स्ट. उन्होंने बताया कि विधवा को उसके पति के साथ जला देना एक कहीं भी किसी भी हमारे जो पवित्र ग्रंथ है, जो प्राचीन ग्रंथ है, उनमें कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया गया है. एंड ऑल्सो मोस्ट ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स क्रिटिसाइज सच इंडियन ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स. अर्थात बहुत सारे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन्होंने भी ऐसे इन ह्यूमन ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को उन्होंने क्रिटिसाइज किया. एंड दे आल्सो एग्रीड विथ राजा राम मोहन राय पॉइंट ऑफ व्यूज. एंड आफ्टर दैट इन 1829 अ लॉन्ग डिबेट्स एंड डिस्कशंस सती कस्टम वाज बैंड बाय द ब्रिटिश. अर्थात 1829 में अंततः सती कस्टम को राजा राम मोहन राय के प्रयासों के बाद बैन कर दिया गया. एंड many reformers after Raja Ram Mohan Roy also adopted the same way to use ancient text whenever they start criticizing any social customs or any social evil which were practiced in those times. अर्थात राजा राम मोहन राय ने एक अच्छा तरीका अपनाया कि प्राचीन ग्रंथों का सहारा लेकर के उन्होंने समाज की जो बुराइयां थी, जैसे सती कस्टम है या बाल विवाह है, इस तरह की बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाई और पुराने प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया. उसी स्ट्रेटजी को बाद के जो रिफॉर्मर्स थे उसको अपनाना शुरू कर दिया. जब भी किसी सामाजिक बुराई के खिलाफ वो आवाज़ उठाते थे तो वो सबसे पहले इन पवित्र ग्रंथों का या प्राचीन ग्रंथों का सहारा लेते थे. नाउ आफ्टर मिड 19 ईश्वरचंद्र विद्यासागर आल्सो सेड दैट विडो कुड रीमैरी ऑन द बेसिस ऑफ एन ओल्डन टेक्स्ट और वर्स. अर्थात 19वीं सदी के मध्यकाल में एक और समाज सुधारक थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर, जिन्होंने ये बताया कि विधवा विवाह होता है. और उन्होंने ये इतिहास के कुछ अंशों का हवाला दिया कि अतीत में विधवा विवाह होते थे, इसलिए ये हो सकता है. सो आफ्टर हिज सजेशंस एंड रिफॉर्म्स विडो रिमैरिज एक्ट वाज पास इन 1856 बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. अर्थात 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया. नाउ विडो कुड रीमैरी. आफ्टर ईश्वरचंद्र विद्यासागर मेनी इंटेलेक्चुअल्स और यंग पीपल हु स्टार्टेड कैंपेनिंग टू सपोर्ट विडो रिमैरिज स्पेशली इन बॉम्बे दे आल्सो टुक द हेल्प ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट. एंड सच इनिशिएटिव्स वर आल्सो टेकन इन द साउदर्न रीजन ऑफ आवर कंट्री इन तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ तमिलनाडु और अदर रीजन्स वेयर वन ऑफ द सोशल रिफॉर्मर वीरा सालिंगम पंतुलु हु फॉर्म एन एसोसिएशन फॉर विडो रिमैरिज एंड सपोर्टेड विडो रिमैरिज. नाउ इन नॉर्थ स्वामी दयानंद सरस्वती फॉर्म एन एसोसिएशन नेम्ड आर्य समाज इन 1875 टू सपोर्ट विडो रिमैरिज. एंड उत्तर में दयानंद सरस्वती ने भी एक समाज की स्थापना की जिसे आर्य समाज का नाम दिया गया. 1875 में इसकी स्थापना हुई और इसका उद्देश्य
विधवा विवाह को सपोर्ट करना था, विधवा औरतों की स्थिति को सुधारना था। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस रिफॉर्म्स ये नंबर ऑफ विडोज वर नॉट एक्सेप्टेड इवन आफ्टर देयर रीमैरिज बिकॉज सम ऑफ द कंजर्वेटिव पीपल और द स्टीरियोटाइप पीपल थॉट दैट इट वॉज अगेंस्ट द सोशल कस्टम्स सो दे कुड नॉट सपोर्ट such reforms. So students, this is a topic for today. I hope you have listened properly. If you have any doubt, any problem, you can ask or comment on my WhatsApp number. Till stay safe, stay happy, good luck.